नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 679वां एपिसोड। आज 17 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें क्रिकेट को लेकर, एशिया कप को लेकर आपके टेबल पर, आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। भैया, आईपीएल की तमाम खबरें हर रोज सबसे पहले आपके पास लाते हैं, सबसे पहले तो लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, यार देखो, आईपीएल की विंडो को लेकर अब आईसीसी ने दे दी है क्लैरिटी और जय शाह ने जो जो कहा था, हमने जो जो कहा था उस पर लग गई है मोहर। क्योंकि भैया देखो, फाइनल हो गया है कि 2 से बढ़ाकर 2.5 से 3 महीने की विंडो, 74 डेज की विंडो कर दी गई है आईपीएल के लिए। और ये जो विंडो रहने वाली है ये 2023 से भी इनफेक्ट होगी। हालांकि सारे क्रिकेट बोर्ड इस पर राजी हुए, पूरी बैठक में सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका विरोध किया। क्यों किया उसकी राय आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दीजिए। पीसीबी क्यों कर रहा है विरोध, भैया कमेंट बॉक्स में लिखकर थोड़ा बताओ यार इनको। आगे बढ़ते बात करते दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो कौन होगा पंजाब का नया कप्तान। दरअसल दोस्तों, प्रितेश झाला ने कल हमसे सवाल पूछ लिया था। प्रितेश भाई ने सवाल पूछा था कि पंजाब का नया कप्तान कौन होगा बता दूंगा, बट उससे पहले आप लोग भी जी आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लो, कल आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा क्रिकेट फटाफट के स्पेशल एपिसोड में। तो देर मत करना, कल के एपिसोड में आपके सवाल का जवाब दूंगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछो यार, पंजाब का कप्तान कौन होगा और कोच कौन होगा। प्रितेश भाई देखो, पंजाब की कैप्टेंसी की जहां तक बात है तो हो सकता है शिखर धवन के ऊपर ताज सज जाए, मयंक अग्रवाल से कप्तानी जाने वाली, इतना कंफर्म है। जहां तक हम बात करें कोच की, तो अनिल कुंबले इनके साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि नया कोच ये लोग लेकर आए। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कैप्टन बदलेगा, कोच को लेकर अभी इतनी क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही, बट कैप्टन जरूर इनका बदलने वाला, हो सकता है धवन हो। आपके हिसाब से कौन होगा भाई? प्रितेश भाई आप भी बता दो, बाकी सारे लोग अपना सवाल पूछ लो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। आईपीएल 2023 की तारीखों पर भी अब फाइनल मोहर लग गई है। दरअसल दोस्तों, जो एफटीपी तैयार किया गया है, जिसमें विंडो बढ़ाई गई है इंडियन प्रीमियर लीग की, उसमें कंफर्म्ड मेंशन कर दिया गया है कि आईपीएल मार्च के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर जून के पहले हफ्ते के अंत तक चल सकता है। इतनी बड़ी विंडो दे दी गई है, 74 डेज की ये विंडो है, मतलब कोई डबल हेडर नहीं होगा। और बड़ी चीज ये है कि अगर इस विंडो को हम इन इफेक्ट लाते हैं तो आईपीएल की शुरुआत लगभग 22-23 मार्च से होगी। तो 15 मार्च नहीं, अगला आईपीएल 22-23 मार्च से शुरू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं की चौथी बड़ी खबर की। तो यार, रवि शास्त्री ने कुछ बहुत बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा उन्होंने गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस पर किया है। और ये खुलासा सुनकर सचमुच मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे मुंबई इंडियंस पर थोड़ा सा तरस भी आया। दरअसल दोस्तों, रवि शास्त्री ने कहा है कि जब मुंबई इंडियंस की टीम ने हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं किया था तो हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा शॉक में थे। हालांकि दोस्तों, वो शॉक हार्दिक पांड्या ने बंबई को दे दिया, क्योंकि फिर जिस तरह के फॉर्म में हार्दिक पांड्या आ गए ना, तो कहते ना घायल शेर जिस तरह से शिकार करता है, उस तरह की स्थिति में फिर हार्दिक पांड्या आ गए। तो यहां से यही क्लियर कट निकल कर आता है कि बहुत सारी बातें हुई। हमने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या खुद छोड़ना चाहते हैं, बट रवि शास्त्री बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या खुद नहीं छोड़ना चाहते थे मुंबई, और मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें बाहर किया था। और शायद मुंबई इंडियंस को वो सबक मिल चुका होगा कि उस सिंगल हैंडेडली हार्दिक पांड्या ने पूरी गुजरात टाइटंस को पूरा आईपीएल जिता दिया और मुंबई पूरा आईपीएल स्ट्रगल करती रह गई। हालांकि दोस्तों, यहां से एक सीख मिलती है कि कोई भी टीम परफेक्ट नहीं होती है। यहां से यह भी सीख मिलती है कि बड़ी बड़ी टीमें भी गलतियां करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। आशीष गुप्ता ने कल हमसे सवाल पूछ लिया था दिनेश कार्तिक को लेकर और दीपक चहर को लेकर। सवाल पूछा था कि दिनेश कार्तिक और दीपक चहर एशिया कप की स्क्वाड में होंगे। यार, दिनेश कार्तिक का तो कंफर्म है कि वो एशिया कप खेल रहे हैं, दीपक चहर की इंजरी पर अभी तक सवाल है। अब जैसे जैसे उस पर जवाब आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबाकर रखिए, आपको जवाब मिलते रहेंगे। तो यार, इसीलिए बोल रहा हूं दिनेश कार्तिक कंफर्म है एशिया कप जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की छठी बड़ी खबर की। तो कौन होगा वर्ल्ड 11 का कप्तान, इसी को लेकर मच चुका है घमासान। हो ये रहा है दोस्तों कि बीसीसीआई के पाले में गेंद है। अब ये जो वर्ल्ड 11 और इंडिया 11 के बीच जो मैच होने वाला है, जो कि 22 अगस्त को होगा इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए भारत में ये मैच होने वाला है, इसको लेकर बीसीसीआई को ही पूरी टीम वर्ल्ड 11 की भी सेलेक्ट करनी है। और ये जो टीम बीसीसीआई सेलेक्ट करेगी, इसमें कैप्टन कौन होगा ये भी बीसीसीआई तय करेगा, और व्यूवर्स और ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बीसीसीआई से तय करेगा। हालांकि प्लेसेस एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर और जॉस बटलर, ये चार लोग कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे भाग रहे हैं। बट रिपोर्ट्स आर दैट कि एबी डिविलियर्स को कैप्टन बनाया जा सकता है, जस्ट बिकॉज कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ह्यूज है इंडिया में। इसीलिए एबी डिविलियर्स वर्ल्ड 11 टीम के कैप्टन हो सकते हैं, और ये सचमुच बहुत ज्यादा खुश कर देने वाली चीज है आईपीएल क्रिकेट सभी के फैंस के लिए,
क्योंकि एबी को एक्शन में हम सभी लोग देखना चाहते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ से दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है T20 और ODI वर्ल्ड कप के हवाले से। कल हमने MCT शॉर्ट में डाल दी थी वीडियो, फटाफट जाइए भैया उस वीडियो को जरूर देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी। आखिर क्यों भारत में बहुत लंबे समय से ODI T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ है, और आखिर क्यों, आखिर कब, माफ कीजिए, अगला ODI और T20 वर्ल्ड कप भारत की सरजमी पर होगा, उसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, फटाफट जाकर देख लेना, मजा आ जाएगा। नया चैनल है MCP शॉर्ट, वहां जाकर भी सब्सक्रिप्शन दे दो, सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से बात करते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की। तो बिग बैश लीग और द हंड्रेड्स के लिए भी अच्छी खबर है। ना सिर्फ IPL, बिग बैश और द हंड्रेड्स को भी एक स्पेसिफिक अलग से विंडो दे दी गई है IPL में। मतलब ना सिर्फ IPL के लिए अलग से विंडो है, बिग बैश लीग के लिए भी साल की शुरुआत में, और IPL के तुरंत बाद द हंड्रेड्स इंग्लैंड के लिए अलग से विंडो निकाली है। हालांकि इस विंडोज में क्या दूसरे देश बायलेटरल सीरीज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर सवाल है, बट ICC ये इंश्योर करेगा कि ज्यादा बायलेटरल सीरीज इन विंडोज में ना हो। IPL की जो विंडो निकली है उसमें पूरी दुनिया में कोई भी बायलेटरल सीरीज नहीं होगी, तो जीत तो IPL की जो। आगे बढ़ते भैया से बात करते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ क्लेम करने लगा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लेम करने लग गया है कि PSL के लिए भी अलग से विंडो निकाल दी गई है, जैसी IPL के लिए निकलती थी। तो ये सरासर झूठ है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लोगों को ये भ्रम ना रहे भाई, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोई विंडो नहीं निकली है। सिर्फ ICC ने बोला है कि IPL से तुरंत पहले PSL होगा, लेकिन ICC ने यह भी बोला है कि उस दौरान दुनिया के दूसरे देश भी सीरीज खेल सकेंगे अपनी अपनी। तो कोई विंडो फिंडो नहीं निकली है, ये सिर्फ इनको लॉलीपॉप पकड़ाया है और ये इस बात को अपने देश के, अपने मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वहां जाके कि हमने भी विंडो निकाल ली, विंडो निकाल ली। देखो, सीधी कहानी के अंत यही निकला है कि सिर्फ IPL की विंडो निकली है और बाकी सारे देशों की जितनी भी सीरीज होती है उनकी विंडो बताई है ICC ने, बट वो निकाल के नहीं दिए। उस दौरान बायलेटरल सीरीज होगी, IPL के दौरान नहीं होगी। यही तो चाहिए था IPL को, वो हो गया भैया। चैनल MCP शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।